यूपी पुलिस ने ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी करते थे। मामला यूपी के लखनऊ का है, जहां विभूति खंड पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर रुपए ऐंठने वाले गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 62 पासपोर्ट बरामद किए हैं। जाँच में जो भी नकली बताए जा रहे हैं, मामले में पुलिस को शक है कि गिरोह के संपर्क तमाम ऐसे लोगों से हैं जो स्निपर सेल के तौर पर काम करते हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो नटवर लालों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। विदेश भेजने के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे, ठगी करते थे और फिर उसके बाद फरार हो जाते थे, लेकिन अब पुलिस ने ये सफलता हासिल की है और इनसे पूछताछ लगातार कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। एक न्यू अरमास करके कंपनी मुंबई में है, जिसका एक अपने आप को फर्म, ये बताते हैं कि मैं उसी फर्म का मेंबर हूँ, जिसका कोई टाइप और पेपर प्रस्तुत नहीं कर पाए। इनके पास से बहुत से डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, जैसा प्रथमता प्रतीत हो रहा है कि विदेश के भेजने के नाम पर पैसा